मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सैलिसिलिक एसिड। YouTube फैमिली सब कैसे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही मैंने आप लोग के साथ तीन बड़ी जबरदस्त चीजें शेयर करनी है जो कि मुझे इस्तेमाल करने में बहुत मजा आया। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे मार्केट में हजारों चीजें भरी पड़ी हैं, कौन सी चीज ली जाए कौन सी चीज ना ली जाए। अच्छा, इसका सिर्फ एक ही में आंसर है, इंसानों के साथ वाइब्स मैच होती है, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ भी वाइब्स मैच होती है कि किसी प्रोडक्ट को देखते सारे दिल करता है कि इसको ट्राई किया जाए। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी नजरों से बार बार गुजरे होते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का दिल नहीं कर रहा होता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, रिव्यू लेना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना वो तो जरूरी होता है सबके लिए, कौन सी प्रोडक्ट आई है मार्केट में कौन सी नहीं आई है, लेकिन इस्तेमाल करने की वाइब इंसान के अंदर से आ रही होती है कि इसको इस्तेमाल करें देखें इसका रिजल्ट कैसा है। चलो जी, सबसे पहले मैं आप लोग को तीन चीजें दिखाती हूँ। सबसे पहले आ जाता है जी ये वाला लोशन। अच्छा, इस लोशन के बारे में कुछ कहने से पहले मैं ये कहूंगी कि ये लोशन इतना अच्छा है, अगर मुझे अपने ब्रांड में लोशन इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला रखूंगी। उसके बाद आ जाता है इनका ब्राइटनिंग फेस वॉश। सबसे अच्छी इस फेस वॉश की बात है कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। फिर आ जाते हैं जी इनकी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, एक एक को डिस्कस करते हैं अब डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिप ग्लो की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम का। एक आप लोगों को बात यहां बतानी चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने दुनिया की कोई भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम लगानी है, स्किन ब्राइटनिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, व्हाइटनिंग हो गई, तो आप लोगों ने हमेशा रात के टाइम लगानी है, दिन के टाइम नहीं लगानी। अच्छा, रात को भी अगर लगा लिया तो आप लोगों ने लगाने के बाद हीटर के आगे नहीं बैठना, अगर सर्दी है तो हीटर के आगे नहीं बैठ जाना। आप लोगों ने चूल्हे के आगे काम करना नहीं शुरू कर देना, अगर चाय बनाने जा रहे हैं हीट आपके मुंह पर पड़ रही है। कोई भी स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग और इस तरह की क्रीम्स लगाने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट अपनी आंखें बंद करनी है और सो जाना है। अगर आप लोग चूल्हे के आगे जाएंगे हीट आपके मुंह पे पड़ेगी तो आपकी स्किन डैमेज होगी, ठीक है जी। इस बार फिर आप लोगों ने कहना है कि सुबह जब सूरज में जाते हैं तो जलन होती है, छोटे 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 रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, ये इसी वजह से बनते हैं कि जब नाइट क्रीम्स होती हैं हम लगा के हीटर के आगे या चूल्हे के आगे काम करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। मैं आपको इसका अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखे इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। जिन लोगों को खुशबू से एलर्जी है उन्होंने भी बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल माइल्ड सी खुशबू है जिसको लगा के आप लोग फ्रेश फील करेंगे। ये नहीं है कि नाक में चुभने वाली खुशबू है, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी खुशबू है। ये देखें इसका फॉर्मूला कितना जबरदस्त है। ये क्या करेगी, डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करती है, पिगमेंटेशन को क्लियर करती है, जो आपके लिप्स के राउंड डार्क एरिया हो जाता है उसको क्लियर करती है। अच्छा, जब मुझे चाहिए होता है ना सुबह उठ के थोड़ी फ्रेशनेस फ्रेश लुक लेके आनी होती है तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, सुबह उठ के एकदम फ्रेश लुक आ जाती है। और कुछ क्रीम्स होती हैं कि नाइट क्रीम्स होती हैं, रात को लगा के सुबह आपका तेल से मुंह भरा होता है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश, ना तेल होता है ना ड्राई होता है, बड़ी नरम मुलायम और मुलायम किस तरह मैं एक्सप्लेन करूँ, उस तरह की ना स्किन हो जाती है इसके साथ। मजेदार, हाथों पे लगा लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, फेस वॉश। फेस वॉश के अंदर जी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि ब्राइटनिंग में बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए जी, छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जिसके अंदर जो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल करने का थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका होता है। हम सबसे पहला पॉइंट जी, हम लोगों ने कभी भी सूखे मुंह पे डायरेक्ट यूं करके हाथ गीला करके यूं अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। हम लोगों ने अपने मुंह को हल्का सा गीला करना है, उसके बाद जब हम फेस वॉश हाथ पे लेंगे हल्का सा यूं करने के बाद यूं नहीं कर देना, हाथ पे इसकी यूं हल्की सी स्क्रबिंग करनी है ताकि जो ये ग्रेन्यूल्स हैं टूटे। और जब अपने मुंह पे लगाएं, ये देखें गायब हो गए ना ग्रेन्यूल्स, हो गए गायब। ग्रेन्यूल्स को करना है तोड़ना है ताकि हमारी स्किन पे काम करे। अब हम अपने फेस वॉश करेंगे यूं करके, गीला मुंह होगा, प्रॉपर झाग बनेगी, हल्की सी सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, फिर अपना मुंह धोएंगे, फिर इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या था, हम लोगों ने मुंह गीला करना है। दूसरा पॉइंट है, हम लोगों ने हाथ गीले करके इसको स्क्रब करना है, ग्रेन्यूल्स इसके तोड़ने हैं, और उसके बाद अपना मुंह अच्छी तरह वॉश करना है, फिर इसका रिजल्ट देखेगा चौकस। चले जी, अब जरा मैं अपने हाथ वगैरह धोऊं, ये चिपचिप हो गए। लास्ट प्रोडक्ट आती है जी, वो है जी लोशन SPF 20 है, नॉन कमेडोजेनिक है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, उसके बाद लाइट वेट हाइड्रेशन है फॉर एवरी डे एंड फॉर एवरीवन।
जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको हर स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, ड्राई से लेके, ऑयली से लेके, एक्स्ट्रा ऑयली से लेके, पस वाले दानों से लेके, पसों पस से लेके, और जिस तरह की भी आपकी स्किन टाइप है ना, ये आपको सूट करेगी, इरिटेशन नहीं करेगी। बस फर्क इतना होगा, ड्राई वालों ने थोड़ा इतना लगा लेना है, ऑयली वालों ने थोड़ा इतना लगा लेना है, रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद जी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती, कुछ मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और पिंपल्स बन जाते हैं, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती है। इसका भी टेक्सचर दिखा देती हूँ आप लोगों को, निकल जा, जबरदस्त है। तीनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर सपोज आप लोगों ने तीनों चीजें नहीं लेनी तो आप कहेंगे एक चीज आप ही रिकमेंड कर दें, तो मैं ये करूंगी लोशन रिकमेंड। फिर आप कहेंगे कि आप ही हमें दो चीजें रिकमेंड करें, फिर मैं करूंगी जी फेस वॉश और लोशन रिकमेंड, और फिर मैं करूंगी ये ब्राइटनिंग क्रीम रिकमेंड। अगर आप लोग चाहते हैं तीनों बंडल ले तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर सपोज एक प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं पहले ट्राई के लिए, तो ये क्रीम ट्राई कर लें, क्रीम ट्राई करने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट्स आप खुद ही ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर फेस वॉश नहीं है, चेंज करना है, तो लाजमी ये लें। ब्राइटनिंग क्रीम या नाइट क्रीम अगर आप लोगों की खत्म हो गई है, नहीं लेनी है, तो लाजमी ये ट्राई करें, मेरे कहने पे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये ब्राइटनिंग और लाइटनिंग क्रीम का एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम महीना इस्तेमाल करेंगे एकदम मुंह गोरा हो जाएगा और ब्राइट सा हो जाएगा, इस तरह नहीं होता है। इससे आप लोग को एकदम ग्लो मिलती है, जो सन टैनिंग है वो खत्म हो जाती है, जो आपका ओरिजिनल कलर है ना वो निखर के बाहर आता है। ओरिजिनल कलर नहीं आता, जो ओरिजिनल कलर है वो निखर के बाहर आता है। इस लाइन में जरा फर्क तलाश कीजिए। अच्छा, कुछ इस तरह के होते हैं मिक्सचर, जिस तरह हेलरोनिक एसिड और वाइटामिन सी को हम मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर हम सैलिसिलिक एसिड को वाइटामिन सी या हेलरोनिक के साथ मिक्स करके लगाए ना, ओए जो जलता है मुंह मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सैलिसिलिक एसिड अकेला इस्तेमाल किया जो तो बड़ा सही रहता है, किसी और के साथ इस्तेमाल करे तो भड़क जाता है। एयर लोशन का रिजल्ट देखे, अच्छा ये देखे, मैं एग्जांपल देती हूँ, ये देखे, ये पता नहीं मेरे कहाँ से कट्स लग गए हैं, तीन, ये दाइम का नाखून लगा है छोटा सा। अगर इसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड अप्लाई हो जाएगा ना, तो जो जलेगा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इसके ऊपर हेलरोनिक लगा लें कुछ नहीं होगा, वाइटामिन सी लगा लें कुछ नहीं होगा, सैलिसिलिक एसिड जब आ जाएगा सीरम इसके ऊपर तो ये जलन हो जाएगी, और जब उतार भी लेंगे तब भी जलन नहीं जाएगी कुछ देर तक। इसलिए इसको अकेला ही इस्तेमाल करना है, कभी भी किसी प्रोडक्ट से कंबाइन नहीं करना। किसी को सूट भी कर जाता होगा, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले ना करें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया तीनों प्रोडक्ट्स का रिव्यू। मेरा कोड भी है, मैं आप लोगों को कोड भी बता दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। जिन्होंने ये चीजें इस्तेमाल की हुई हैं वो भी मुझे लाजमी रिव्यू दीजिएगा। उसके बाद इनका है एक सनस्क्रीन, जो लोग कहते हैं कि हमारा सनस्क्रीन लगाने के बाद ऑयल आ जाता है, इनकी सनस्क्रीन जी बहुत ज्यादा मैट कर देती है। जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है और जो कहते हैं हमें कोई सनस्क्रीन सूट नहीं करती, उनको इनकी करेगी, क्योंकि एकदम मैट इफेक्ट दे देती है। जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है रिकमेंडेड इनका सनस्क्रीन, और जिनकी ड्राई स्किन है एक्स्ट्रा ड्राई, वो लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैट इफेक्ट दे देगी तो ग्लो श्लो खत्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑयली स्किन वाले तो लाजमी इनकी सनस्क्रीन ट्राई करें, बाकी ये तीनों प्रोडक्ट्स तो हर स्किन टाइप वाले कर सकते हैं। चले जी, ये आज का रिव्यू खत्म। अब जिन्होंने यूज किया हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके बताएगा, जिन्होंने खरीदनी है तो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। जब आप लोग को रिजल्ट मिले, इंशाल्लाह ताला आप लोग को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये है जी आज का रिव्यू, उम्मीद है आज का रिव्यू आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे जी न्यू प्रोडक्ट्स लेके या जो मुझे आती हैं उनको इस्तेमाल करके रिव्यू देने का बड़ा मजा आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जिस तरह मैंने स्ट्रेटनिंग ब्रश का रिव्यू किया था, मुझे इतना तो जस्टिस था कि क्या है, अब तो जस्टिस खत्म हो गया। आप लोग का भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि जब रिव्यू देख लेते हैं और करते हुए देख लेते हैं ना, तो जो तजस्सुस को मारना बड़ा जरूरी होता है। चीज लेनी हो ना लेनी हो वो अलग बात है, लेकिन जब एक तजस्सुस रहता है ना तो खलबली मची रहती है इंसान के अंदर। वो खलबली खत्म करना, तजस्सुस खत्म करने के लिए जरूरी है रिव्यूज देखे जाएं। अगर वाइब्स मैच हो जाएं तो चीज ली भी जा सकती है, क्योंकि रिजल्ट उनके अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।